खबर मैनपुरी से है, जहां पर कुसमरा हाल में नगर निवासी स्नेहा पत्नी शिवमोहन यादव मैनपुरी रोड स्थित किराए के मकान में रह रही थी, जिसका मालिक इल्कायदार पुत्र नायब सिंह है। किराएदार पर मकान नाम कराने का झांसा देकर 12,10,000 रुपए ले लिए। जब मकान नाम करने की बात हुई तो मकान मालिक द्वारा दबंगई से किराएदार का सामान निकालकर बाहर कर दिया गया, जिसकी पीड़ित ने थाने में शिकायत की। जिसका गृहस्थी का सामान निकालने का विरोध करने पर मकान मालिक की पत्नी सुनीता ने स्नेहा की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसका सर फट गया। पीड़ित खून से लथपथ जान बचाकर भागी तो रोड पर गिर गई, जिसे देख आसपास के ग्रामीण जमा हो गए और लेटी महिला चिल्ला रही थी कि मुझे न्याय चाहिए। ये शोर शराबा सुनकर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर बाद कुसमरा पुलिस व थाना पुलिस भी पहुंची। पीड़ित का आरोप था कि पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी। किसने इंस्पेक्टर गीतम सिंह द्वारा समझाने के बाद महिला अपना जीत पर अड़ी रही। बीच रोड पर घंटों ड्रामा चलता रहा, हजारों की संख्या में भीड़ जमा हुई। कई घंटों तक जाम में फंसी रही गाड़ियां, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नाराज होकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ये मारपीट किसने की तुम्हारे साथ? वीडियो बनाओ। नाम नहीं मालूम उनके? क्यों मारा तुम्हारे? तुम्हारे साथ मारपीट क्यों की? 12,10,000 रुपए लेके इसका बाप मोटा आ गया। 12,10,000 किसने लिए रुपए? मकान मालिक की पत्नी ने लेकर पति को दिए और अपने साइन करवाए। वो कागजात घर में से चिढ़ा के मुझको 3 तारीख को किस बात के लिए रुपए लिए थे? मकान बहनामा कराने के लिए। बहनामा नहीं किया? मकान बहनामा नहीं किया। हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, जान लेवा हमला करेगा या फिर आके सफाई दे। वो फरार भी है और इसके घर से 10-15 लेडीज और कल इसने क्या कार्रवाई की? इसकी शिकायत तुम पुलिस से भी तो कर चुकी हो, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सांत्वना दे देती है, हमने पुलिस को बताया, पुलिस भी मिली हुई है, तब तो भाग रहे, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? उसकी पत्नी तो घर पे मौजूद है, उसको क्यों फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पैसे तो ले लिए। तुम्हारे साथ और कोई है कभी? अभी नहीं, छोटा बच्चा है 10 साल का, उस पर भी जानलेवा हमला किया, पब्लिक की वजह से जान बच गई। मैनपुरी से सुलेमान अलवी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।